आइए देखते हैं चल मजा आएगा। ऐसे नहीं चलेगा। मगर क्यों? बरखानो मैं हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान तेरा बाप है सारा हिंदुस्तान। बरखानो मैं हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान तेरा बाप है सारा हिंदुस्तान। अगर मैं बात करूं बैनुल अक्वामी सियासत की, तो यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मोदी है। क्या 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 बोला? मोदी है। तेरा बाप आया मुझे अपने घर जाना है। मोदी तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मोदी खुद बहुत बड़ा हिटलर है। अरे बाबा, मोदी जी तो इसकी बुआ लेके भाग गए थे, और योगी पता नहीं इसकी बहन लेके भागे हैं कि इसकी मौसी लेके भागे हैं। समस्या बाहर है सिस्टम। मोदी जी को छोड़ा तो अब योगी पे आ गई। उस कसाई का नाम है योगी आदित्यनाथ। 44 साल उम्र है जी, जिसका जिक्र करने लगे 44 साल मकरू शक्ल अगर कह दूं, देखें जरा इसकी शक्ल, मकरू शक्ल का ये शख्स जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। कसाई बोल रही है, कसाई का मतलब पता है तेरे को? बहन की पकौड़ी। कसाई वो होता है जो भैंस पड्डे खरीदता है गांव में। कभी वैसे तो तेरी शक्ल तो लग नहीं रही है, तू लगता तो है नासा में रहती है, लेकिन गांव में जब भैंस पड्डे खरीदने आते हैं ना, तो वो उनको बोलते हैं कसाई हरामखोर। तुझे ये ही नहीं पता कसाई क्या होता है? या तो उसको बोलेंगे या भूत प्रेतों को बोलेंगे। तो भाई वो हमारे यहाँ के CM है, वो भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत होता तो अब तक वो बता ही देता तेरे को। आई बात समझ में? सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया, तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। और सही से बताना, कसाई किसको बोलते हैं जो गांव से है? वो बताना है, कोई भैंस पड़ा बिकाओ गांव में, वो खरीदने वाले आते हैं उनको बोलते हैं कसाई। बोलते ना, कमेंट में बताओ अगर ऐसा है तो। नाज़रीन, भारत का सबसे बड़ा कसाब मोदी, जो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है। अगर मोदी जी मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो खुद मुसलमान क्या कहते हैं इस बारे में एक बार सुनिए। इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मुझे फख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मा। कि अब हम लोगों की जो आवाज है, जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और यकीनी तौर पे मैं कहूंगी बुजदिल हैं ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफी अरसे से। कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की, मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रिट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। खत्म। अब इससे ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? जो भारतीय बार बार कहते हैं अरे हम इसको रिपोर्ट करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट कर करके किसी के अकाउंट्स खत्म करवा करवा के ये क्या कर लेंगे? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। हमारी आवाज बंद कर देंगे। BBC उन्होंने कहा कि क्या वो खतरा नहीं है, तो मेरे ख्याल से फिर BBC से ज्यादा खतरा जुनेद साहब उन्हें पाकिस्तानी एंकरों से, पाकिस्तानी तज्जिया निगारों से है कि इनके मुंह बंद कर दिए जाए। यानी हमारी जो आवाज है वो वहां तक इतना असर रखती है। डॉक्टर साहब, मैं मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, असर नहीं रखती। असर नहीं रखती। खत्म। और मेरा इंस्टाग्राम वो तो फॉलो करना ही नहीं है, आप करना ही नहीं है वो तो फॉलो, बिल्कुल ही नहीं करना भाई, गलती से भी फॉलो नहीं करना मुझे। लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना एक बार जाके। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।